हुआ था एकदम, आप स्टार्टिंग से बताइए। मैडम 6:30 के अंदर फ्राइडे का दिन था, तो लड़की काफ़ी घबराई घबराई में बताई, तो बोले मेरे भैया यहाँ रूम दिलवा दो एक। तो मैंने उनको तो बैठा लिया थोड़ा सा आगे लेके गया, तो मैंने बोला मैडम रूम लेके क्या करेंगे, आप कहाँ रहती हैं, आप पूरी डिटेल बताइए। तो कह रही मेरी फ्रेंड है, मैं फ्रेंड के पास जाना चाहती हूँ। मैं बोला नहीं मैडम, पहले मेरे को अपनी आईडी दिखाइए आप, तो मैं आपको फिर कहीं छोड़ के आऊँगा। तो मैंने जब उनकी आईडी देखी तो फोटो कॉपी थी, साकेत की आईडी थी उनके पास, और उनके पास 3 बैग थे कि वो तैयारी करके आए थे कि घर जाना ही नहीं मेरे को वापसी। तो मैंने बोला मैडम चलो मैं आपको रूम के बहाने उनको घुमा फिरा के मैं पार्लियामेंट थाने मैडम पूजा पे छोड़ आया था उनको। उन्होंने मेरे को बोला मैं घर से भागती आई हूँ, घर वाले मारते हैं मेरे को। तो मैंने बोला मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पे छोड़ाऊंगा, जाके आपको घर वाले बुला के बातचीत कर लेंगे। तो मैं जाके नियर पार्लियामेंट थाना पुलिस स्टेशन पे मैडम को छोड़ाया। उसके बाद मैडम मैं अगले दिन में जब पता करने गया तो मैडम बोली उनके घर वाले ले गए, तो ऐसा ही मैडम पूजा थी, उन्होंने बोला उनके घर वाले ले गए। तो SHO साहब आपसे बात करना चाहते थे, तो SHO साहब का ही फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा काम करा। मैडम मैंने जितनी उनकी एज है उससे छोटी मेरी बेटी है, तो मैंने उनको बेटी वाले ही दर्जा दिया उनको मैंने अपना, ये भी मेरी बेटी भी बाइचा कोई बाहर जा सकती है, ऐसी वारदात हो सकती है। तो मैंने सोचा इसको सुरक्षित जगह पे छोड़ते जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल का जो माहौल है बहुत खराब है। इसीलिए जो मेरे को अच्छा लगा उस टाइम, मैंने जो मेरे गुरु महाराज ने मेरे से कराया मैंने वही काम करा, क्योंकि हम यहीं 24 घंटे ही गुरुद्वारे के पास ही आपको खड़े मिलेंगे। नहीं मैडम मेरे को इनाम की कोई जरूरत नहीं है, बाकी लड़की अपने घर पहुंच के मिले यही इनाम बहुत है मेरे लिए। मैडम मैं अगले दिन मैडम को पता करने गया था, मैडम मिली थी, तो कह रही आपने बहुत अच्छा काम करा, आप अपना नंबर दीजिए और उनके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। SHO साहब का ही फोन आया था मेरे पास कि आपने बहुत अच्छा काम करा, मंडे को हमारे PS में आई हमारे पास, उनसे मिलना चाहते हैं हम आपसे। हाँ मैडम तब तो उनके मम्मी डैडी से बात हुई थी, वो बहुत मतलब कि खुश थे कि बहुत अच्छा काम कर दिया, ताकि हमारी इज्जत बच गई जिंदगी भर। मैडम मैं ये बोलूँगा जो भी हमारे कस्टमर ऑटो में बैठे, हमारा फर्ज है उनको सही सलामत जगह पर छोड़ना और सेफ जगह पर छोड़ने का। पैसे वाली बात नहीं होती, पैसे नहीं होते तो भी हम कस्टमर को फ्री छोड़ाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारी माँ बहन भी है, कोई ऐसी बात नहीं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।